आप सभी लोग, मेरा नाम सिद्धार्थ का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो भाई चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ भाई, आइस विजार्ड आ चुका है भाई। हाँ तो यार इसकी कॉस्ट है 1500 एक्साइलर। तो भाई चलिए इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसका डैमेज पर सेकेंड 172, 172 यानी हम लोगों के ऑर्डिनरी से दो ज्यादा। और मेरा फिफ्थ लेवल का है, इसका फिफ्थ लेवल का नहीं है, तब भी भाई इसका ज्यादा है। इससे हिट पॉइंट भी बहुत बढ़िया है यार। तो ट्रेनिंग कॉस्ट मुझे सबसे बढ़िया लगा, कम है, इफिशियंस है और अच्छा ट्रेनिंग टाइम तो भाई बहुत ही कम है, 1 मिनट तो भाई बहुत ज्यादा है यार। फेवरेट टारगेट डिफेंस पे ज्यादा अटैक करता, डैमेज टाइप एरिया स्प्लैश मतलब एरिया से करता है। और हाउसिंग स्पेस 4 है, मूवमेंट स्पीड 16 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यार ये हो सकता है या नहीं अपग्रेड। नहीं हो सकता भाई। तो आपने देखा यार इसका ये है, और भाई मैंने यहाँ भी थोड़े बहुत करके रखे। तो भाई चलिए अपना पहला विजार्ड वाला आइस विजार्ड अटैक करें। तो चलिए भाई अच्छा सा बेस को ढूंढ लें यार। और हम लोग 100% की उम्मीद से नहीं जाएंगे यार, क्योंकि भाई पहली बार यूज कर रहा हूँ। वैसे तो यूज किया था पिछले क्रिसमस पे, इस बार फिर से आया है। तो भाई जल्दी से कुछ अच्छा आ जाए यार, अच्छा सा बेस भाई। बहुत बढ़िया यार, लूट मुझे ज्यादा मिल रही, बस मुझे यही देखना है। और तो भाई चलो यार, क्वीन यहाँ पर, उसके पीछे दो, ये उसके बाद ये यार करूँ। भाई चलो भाई, इसके पीछे जाइंट्स और उसके पीछे एक हीलर। और देखो भाई हीलर उसके पीछे जा रही, फिर हम लोगों का आइस विजार्ड जा रहे हैं भाई। देख लीजिए भाई, आइस विजार्ड चले गए यार। आइस विजार्ड देखो यार कितने बढ़िया से कर रहे हैं पूरा, एकदम 4 बार डाल दूंगा मैं। और यहाँ पर एक हीलिंग स्पेल डाल दूंगा यार, और साथ यहाँ पर विजार्ड एक यहाँ पर ये इसका कर देता हूँ। चलो भाई भाई चलो, एक यहाँ पे भी डाल दिया जल्दी से, बहुत बढ़िया यार, अच्छा खेलना है। तो भाई चलो एक यार यहाँ डाल देता हूँ जंप स्पेल, जिससे कि ये सब अंदर चले जाएं। और एक जाइंट, और भाई एक भाई क्रिसमस सेंटा गिफ्ट तो इन लोगों को देना ही होगा भाई। सेंटा आए हैं तो सेंटा गिफ्ट नहीं देंगे तो क्या होगा भाई। सेंटा गिफ्ट दे दिया है भाई, तो अब तो यार लग तो रहा है यार हम लोगों का 100% ही होगा। उम्मीद तो भाई पूरी है यार, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो जल्दी से हो जा, जल्दी दीवार टूटो और इस किंग को पहले मारो, किंग को पहले धर लो, ये लो। तो भाई हम लोगों का बहुत ही कम टाइम बचा है यार। तो देखें ये लोग 100% कर पाते हैं विजार्ड के साथ। आइस विजार्ड तो अब कोई बचा है या नहीं बचा है? मेरे हिसाब से भाई आइस विजार्ड एक भी नहीं बचा है। तो यार तो देखें ये कर पाते हैं बिना, विदाउट आइस विजार्ड के 100% इस टाइम पे, इस पोजीशन पे। लग तो रहा है हो सकता है, पर बहुत थोड़ा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है यार, क्योंकि विजार्ड तो यार बहुत ज्यादा स्प्लैश करते हैं और इतना भाई तगड़ा करते क्या बताऊं। तो भाई देखिए जाइंट का हिट पॉइंट भी सही है, और जाइंट यार जाइंट भी लीजिए और उसके पीछे से आप फिर वो भी ले लीजिए विजार्ड, क्योंकि विजार्ड का भाई स्प्लैश तो आपको पता ही है और जाइंट की हिट पॉइंट यार। और अगर कोई बम बम होता है जिससे कि जाइंट पहले मरते हैं पर बहुत दूर खड़े रहते हैं विजार्ड, तो भाई विजार्ड नहीं मरेंगे। तो भाई आपने देखा यार कितना बढ़िया यार हो चुका है। देखो यार, तो यार आपको भी अच्छा लगा होगा यार ये वीडियो। और भी जानने के लिए यार क्लैश ऑफ क्लैन में भाई, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई। तो यार थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप प्लेइंग COC।